सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। बारिश से मौसम हुआ खुशगवार, वहीं ये जो दृश्य देख रहे हैं आप देसुरी नाल की घटना है, जिसमें एक ट्रोला तेज गति में लापरवाही से चलता हुआ पंजाब मोड़ के पास में पलटी खा गया, जिससे ट्रोले में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को स्थानीय नागरिकों की मदद से राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया है। देखिए किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई है। पाली जिले का अत्यंत दुर्घटना संभावित क्षेत्र है देसुरी नाल, जिसमें अमूमन ऐसे हादसे होते रहते हैं। राजसमंद से पाली की ओर जा रहा था ट्रक, जो कि किस प्रकार पलटी खा गया। देखिए घटना में 3 लोगों के घायल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि तेज गति से चल रहा था और ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें सांडेराव थाना क्षेत्र में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें कि थाना अधिकारी ने गणपति महोत्सव और गणेश चतुर्थी समेत देवझूलनी एकादशी को लेकर मनाने को कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। बायोडीजल का एक बड़ा जखीरा सोजत पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें 2200 लीटर बायोडीजल के साथ में उपकरण और कई महत्वपूर्ण सामान जब्त किए हैं। क्या कह रहे हैं DYSP, सुनिए उनकी जुबानी। गोपनीय सूचना पुलिस थाना शिवपुरा पर यह मिली कि जाडन गांव के पास में एक ढाबे के पिछवाड़े में कुछ मुलजिमान हैं, जो पिकअप गाड़ी में से कोई बायोडीजल या सॉल्वेंट जैसा कोई केमिकल पदार्थ उतार रहे हैं, जिसको वो आगे नकली बायोडीजल या डीजल पेट्रोल के तौर पर सेल करने का इरादा रखते हैं। शिवपुरा थाना पुलिस द्वारा दबिश दी गई, लेकिन रात्रि का वक्त होने की वजह से मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मौके पर 3 पिकअप गाड़ियां मिली। एक पिकअप गाड़ी में 1000 लीटर की 2 प्लास्टिक की टंकियां थी, जिनमें तकरीबन 700-800 लीटर एक टंकी के अंदर केमिकल भरा हुआ था, जो एक मशीन के द्वारा दूसरे ड्रमों में भरा जा रहा था। तो मौके पर 4 ड्रम इसके भरे हुए थे, और एक पिकअप गाड़ी में इन ड्रमों को भरने के बाद बाहर सप्लाई करने के हिसाब से खड़ी हुई थी, और एक पिकअप जो गाड़ी है उसमें एक हाई पावर जनरेटर सेट लगा हुआ था, जो किसी भी बड़े टैंकर को खाली कर सकता है या इससे भर सकते हैं। ये सब आलामत मिलने पर थाना पुलिस द्वारा मनसियों को सूचित किया गया। जो मामला इसी एक्ट होने की वजह से मैंने जिला राष्ट्र अधिकारी महोदय को और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी, तो वहाँ से जिला राष्ट्र अधिकारी विभाग से अधिकारी और IOCL के अधिकारियों की उपस्थिति में इस केमिकल का सैंपल लिए गए और सीजर किया गया, और सीजर करने के बाद में इस प्रकरण की जांच जो है SHO शिवपुरा को दी गई है। क्योंकि ये एक बहुत व्यस्तम हाईवे है और इस ढाबे के पीछे एक हाई टेंशन लाइन जा रही है, इन अपराधियों के द्वारा एक ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही से चोरी छुपे कैरी करना, उसको खाली करना, दूसरे वाहनों में परिवहन करना, जिससे कि पीछे हाई टेंशन लाइन की वजह से कोई विस्फोटक भी हो सकता था या हाईवे पर भी जनानी हो सकती थी, इसलिए इसमें EC एक्ट की धारा 3/7 के अलावा 285 IPC की धारा भी इसमें कायम की गई है। जब से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तब से ये एक अवैध कारोबार पनप रहा है, जिसमें ये केमिकल जो सॉल्वेंट टाइप का होता है, बेस ऑयल होता है, इसको मिला करके और सस्ते दामों पर बेचते हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बायोडीजल है, इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया अपने वाहनों में डीजल और पेट्रोल है जो पेट्रोल पंपों से ही लें, क्योंकि ये नकली जो सॉल्वेंट और बेस ऑयल से वो अपने वाहन चलाएंगे तो ना केवल उनके इंजन खराब होंगे बल्कि पोल्यूशन की समस्या भी आगे बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और देखिए किस प्रकार से मुख्य बाजार में, जी हाँ ये मुख्य बाजार का नजारा है और बिल्कुल किस प्रकार से पानी से सरोबार नजर आ रहा है। बारिश 2 मिनट क्या हुई, मुख्य बाजार में एक तरह से कह सकते हैं कि घुटनों घुटनों तक पानी हो गया। एक और नगर पालिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है मित्रों, जिसमें आज स्वायत्त शासन निदेशक दीपक नंदी ने
स्वास्थ्य निरीक्षक कह सकते हैं यशवंत परिहार का स्थानांतरण सुमेरपुर से नसीराबाद के लिए कर दिया गया है। आज की ताज़ा खबर सुमेरपुर न्यूज़ पर, यशवंत परिहार को नसीराबाद अजमेर जिले में भेजा गया है। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।